नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कोरोना गया नहीं और अब नोरो वायरस ने बढ़ा दी है टेंशन। भारत में इस बीमारी के 13 मरीज मिले, जानिए लक्षण और बचाव का तरीका। भारत में कोरोना वायरस के कारण मचा त्राहिमाम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच नई बीमारियों के प्रकोप ने लोगों को और मुसीबत में डाल दिया है। अब नोरो वायरस का खतरा सामने आ गया है। देश में इस संक्रामक वायरस के 13 मरीजों की पहचान हो चुकी है। नोरो वायरस के प्रकोप की खबर केरल से आई है। केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस के 13 मामलों की पहचान हो चुकी है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज ने लोगों से कहा कि वे इस वायरस से सतर्क रहें। केरल सरकार ने नोरो वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। दरअसल केरल के वायनाड जिले के पुकोरी कस्बे में सरकारी वेटनरी कॉलेज है। सरकार को खबर मिली है कि उस कॉलेज के 13 छात्र अचानक बीमार हो गए हैं। उन्हें पेट में गड़बड़ी की गंभीर शिकायत है। सरकार ने उनकी जाँच कराई तो पता चला कि वे सभी नोरो वायरस के शिकार बने थे। सभी का इलाज किया गया है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि फिलहाल बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राज्य सरकार इस वायरस से बचाव के लिए सुपर क्लोरिनेशन के साथ साथ दूसरे उपाय कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बचाव के तरीके के जरिए इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर कोई इस वायरस का शिकार हो भी जाता है तो उसे तत्काल चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए। पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, जी मिचलाना, तेज बुखार, शरीर में दर्द और सिर दर्द नोरो वायरस के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नोरो वायरस के शिकार बने व्यक्ति को ज्यादा दस्त या उल्टी हुई तो उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इससे उसकी परेशानी बढ़ सकती है। बिहार में पंचायत के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे, अब अगले साल शहरी नगर निकायों का चुनाव कराने की तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का कार्य जारी है। यह 30 नवम्बर तक जारी रहेगा। इसके बाद पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी होगा। इसी सूची के आधार पर नगर निकायों में चुनाव होगा। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होगा। इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट में सुधार 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर किया जा रहा है। 30 नवंबर तक मतदान केंद्र के लिए नामित BLO या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले या किसी कारण छूटे हुए मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों सुविधाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति संविदा कर्मियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी का चयन करेगा। राज्य भर में 25,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं। पहले चरण में 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों मोड में इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। 5 लाख रुपए प्रति परिवार हर साल के हिसाब से ग्रुप इंश्योरेंस में संविदा कर्मियों को जोड़ा जाएगा। संविदा कर्मियों को यह मांग थी कि वर्ष 2020-21 में पैसा उपलब्ध रहने के बावजूद ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया गया था। संविदा कर्मियों को इसके लिए मांग भी कर रहे थे। अब विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक एक संविदा के परिवार में एम्प्लॉय, पत्नी और 2 बच्चे शामिल होंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। बिहार के लिए अच्छी खबर, बाढ़ NTPC के एक यूनिट से उत्पादन हुआ शुरू। बिहार को 401 मेगावाट बिजली मिलने लगी। जी हाँ, बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। बाढ़ NTPC के एक यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। NTPC बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 607 मेगावाट की इस इकाई से जो बिजली निकलेगी उसमें से बिहार को 401 मेगावाट बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, बाढ़ NTPC के स्टेज 2 की
1380 मेगावाट की दो यूनिटों से बिहार को 1198 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। बाढ़ एनटीपीसी में स्टेज वन की पहली यूनिट ने बीते 30 अक्टूबर से काम करना शुरू कर दिया था और गुरुवार की रात 12 बजे से इस यूनिट के जरिए कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। निर्धारित कोटे के मुताबिक बिहार को यूनिट से 401 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। बाढ़ में 660 मेगावाट की दो और यूनिट बन रही है। एक साल के अंदर इस यूनिट के जरिए भी बिजली का प्रोडक्शन शुरू करने का लक्ष्य है। इन यूनिट्स के जरिए बिहार को बिजली मिलेगी 660 मेगावाट की तीन इकाइयों से 60% बिजली बिहार को, जबकि बाकी झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम जैसे राज्यों को मिलेगी। शराबबंदी को लेकर बिहार के सभी जिलों में होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। एसपी को थानों में कैंप करने का निर्देश। बिहार में शराब तस्करी और चुलाई की अवैध शराब के खिलाफ सभी जिलों को व्यापक अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम एवं एसपी के साथ ऑनलाइन माध्यम से शुक्रवार की दोपहर से लेकर शाम तक गहन समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर गहन समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले पुलिस मुख्यालय के स्तर पर की गई यह समीक्षा बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरान डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसपी को खास तौर से निर्देश दिया है कि वे अपने अपने इलाकों के सभी थानों में कैंप करने और शराब की तस्करी एवं चुलाई के अवैध धंधे को लेकर सूचना या इंटेलिजेंट एकत्र कर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण की वोटिंग को लेकर पुलिस अलर्ट। 38 जिलों के 63 प्रखंडों में 15 नवंबर को मतदान। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। सातवें चरण का मतदान अब सामने आ चुका है। 15 नवंबर को सातवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर यानी कि शनिवार से सातवें चरण के लिए चुनाव को शोर बंद हो जाएगा। मतदान को लेकर बिहार पुलिस ने अपनी तैयारी भी तेज कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर जानकारी भी जारी की है। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार यानी कि आज छठे चरण में पड़े वोटों की गिनती होनी। वहीं आज से सातवें चरण के प्रचार का शोर भी थम जाएगा। सातवें चरण में सुबह के 38 जिलों के 63 प्रखंडों के 916 पंचायतों में वोटिंग होनी है। कुल 8,232 मतदान भवन के 12,822 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर बिहार में पर्यटन को लेकर सरकार हुई गंभीर। बॉर्डर पर बनेगा पर्यटक सेंटर, मिलेगी ये सुविधाएं। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर लगातार काम चल रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद के निर्देश पर अधिकारियों ने नॉर्थ बिहार के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें वैशाली, केसरिया, बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थल शामिल है, ताकि इन इलाके के सभी पर्यटक क्षेत्रों का विकसित करने के लिए प्लानिंग हो सके। अधिकारियों की समीक्षा रिपोर्ट के बाद अब विभाग ने तत्काल यह निर्णय लिया है कि सभी बॉर्डर इलाके में पर्यटन सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें निबंधित टूर एवं ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जिसमें साइनेज एवं लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होगी। पटना एयरपोर्ट का 7 गुना बड़ा बन रहा टर्मिनल पर बड़े विमानों के उतरने का सपना नहीं होगा पूरा। देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे एयरपोर्टों में से एक पटना एयरपोर्ट भी है। इसी साल छठ के मौके पर यहां रिकॉर्ड यात्रियों की आवाजाही हुई है। यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो अगले वर्ष के अंत तक यहां यात्रियों की संख्या 50 लाख सालाना को पार करने की संभावना। इतने तेजी से बढ़ रहे पैसेंजर लोड को संभालने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा आलीशान और अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बन रहा है, जिसकी क्षमता 7 लाख की बजाय 80 लाख यात्रियों की आवाजाही लायक होगी। लेकिन रनवे छोटा का छोटा ही रहेगा। इसके विस्तार की कई योजनाएं बनी, पर जगह की कमी के कारण किसी को मंजूरी नहीं मिली और न ही आगे इसकी कोई गुंजाइश दिख रही है। ऐसे में मध्यम आकार के विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ से परेशानी आगे भी जारी रहेगी, जबकि बड़े विमान भविष्य में भी यहां उतर नहीं पाएंगे। पटना में हाथ पैर बांधकर हो रहा था महिला मरीज का इलाज, मौत के बाद दो डॉक्टर हिरासत में। छठ के बीच पटना सिटी से मरीज के साथ दुर्व्यवहार और इलाज में लापरवाही से हुई मौत का मामला सामने आया है। पटना सिटी के मोर्चा रोड स्थित लक्ष्मी इमरजेंसी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ अस्पताल के दो डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की गई। नर्स के साथ भी बदसलूकी की हुई है। सूचना मिलते ही चौक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया। दो डॉक्टर और मृतक
लड़का के पति एवं पिता को थाने में रखा गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र स्थित मिल्कीपुर गांव निवासी 30 वर्षीय चिंकी देवी को बेचैनी की हालत में जोंडिस के इलाज के लिए मंगलवार की सुबह 9 बजे लक्ष्मी इमरजेंसी हॉस्पिटल मोर्चा रोड में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल में एडमिट करने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी पत्नी का हाथ पैर बांध दिया था। अल्ट्रासाउंड के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। मरीज के 2.5 घंटे तक तड़पने के बाद कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। उसके बाद टेम्पो से राजेंद्र नगर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया गया। वहां रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। मरीज पानी मांगती रही लेकिन डॉक्टरों ने हाथ नहीं खोला। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी का हाथ पैर बांधने के कारण हार्ट अटैक हो गया। मेरी बेटी कई बार पैर हाथ खोलने के लिए मिन्नत करती रही लेकिन यहाँ के लोग नहीं खोले और हम लोगों से कहा गया कि ऐसे ही इलाज होता है। हमारे यहाँ ठीक नहीं होगा तो कहीं भी ठीक नहीं होगा। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेले के आयोजन पर संशय बरकरार। लोग तैयार लेकिन प्रशासन बना मौन। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन इस साल होगा या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। कोरोना महामारी के कारण बीते साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था, वहीं इस साल लगातार दूसरी बार इस एशिया में फेम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के लगने पर संशय बरकरार है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेला में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर न कोई तैयारी है न सरकारी स्तर पर इस मेले के आयोजन की घोषणा हुई है। वहीं इस वर्ष मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और इस साल हर हाल में मेले के आयोजन का संकल्प ले चुके हैं। स्थानीय लोग सरकारी स्तर पर मेले के आयोजन की मांग के लिए संघर्ष के साथ साथ अपने स्तर से निजी जमीन में मेला लगाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इसे लेकर विभिन्न दुकानदारों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनपुर क्षेत्र के लकड़ी बाजार हो या लोहा बाजार या कश्मीरी मार्केट हो या बुलेन मार्केट या घोड़ा गाय व बकरी बैल आदि बाजार ये निजी जमीन में ही लगती है। सरकारी जमीन जिसे नखास के नाम से जानते हैं और मेला का हाट एरिया बोला जाता है, वहां सरकारी व निजी कंपनियों का स्टॉल व थिएटर आदि लगते हैं। बताते चले कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के आयोजन की मांग को लेकर ग्रामीण यहां दो दो बार महाधरना दे चुके हैं। वहीं सरकार के विभिन्न मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से भी मिले हैं और साथ में मेले की आयोजन न होने पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं मेला के लिए सोनपुर क्षेत्र के लोग करो या मरो के लिए तैयार हैं। अनुमति न मिलने की स्थिति में व्यापक जन आंदोलन की जमीन भी तैयार हो रही है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।